फ्रेंड्स, तमाम कोशिशों के बाद और पूरी देखभाल के बाद भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। प्लांट में बड्स गिर रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट रूखा रूखा मुरझाया हुआ है, पत्तियों का कलर चमकीला नहीं है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और अचानक से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। इन सारी समस्याओं के लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके डालने से आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहेगा और प्लांट की पत्तियों पर चमक रहेगी, प्लांट में कलियां नहीं गिरेंगी और बहुत अच्छी फ्लोरिंग होगी और ग्रोथ तो तेज़ी से होगी, क्योंकि ये जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो मैग्नीशियम से भरपूर है और हम सबको पता है कि मैग्नीशियम प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत मदद करता है और इसकी वजह से ही प्लांट की पत्तियों का रंग हरा रहता है। यदि आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या फिर प्लांट मुरझाया हुआ लग रहा है, वीक लग रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है और मैग्नीशियम की कमी से पत्तियाँ किनारों पर मुड़ भी जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इस एक चीज़ से मैग्नीशियम की कमी प्लांट में दूर होगी और प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहेगा। और इसके साथ ही इसमें सल्फ़र है, सल्फ़र से प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हैं वो दूर होंगे और यदि मिट्टी में स्लग स्नेल जैसी इंसेक्ट हैं तो उनको दूर भगाने का भी ये काम करता है। प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, जैस्मिन जैसे प्लांट पर तो वरदान है। यदि महीने में एक बार आप इसका अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी ग्रोथ करता है। इसके साथ ही मैं ये जो चीज़ बता रही हूँ उसका यूज़ यदि आपने सीड्स लगाए हैं तो सॉइल में सीड्स लगाते समय करते हैं तो सीड्स का जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो सिर्फ फूलों वाले पौधों में ही नहीं, इसे सब्जियों वाले पौधों में भी और फलों वाले पौधों में भी यूज़ किया जा सकता है। करी पत्ता पे भी ये अपना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा और मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और इसकी बहुत कम मात्रा प्लांट में कमाल का असर दिखाती है। एप्सम साल्ट महीने में एक बार यूज़ करें आप और देखें प्लांट में कितनी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं इस एप्सम साल्ट के। इसका केमिकल नेम मैग्नीशियम सल्फेट है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है जो प्लांट को मजबूती देता है और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दो तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। पहला इस यूज़ है इसका पत्तियों पर स्प्रे करना। तो इसके लिए आप लिक्विड बना सकते हैं। एक लीटर पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे पंप में भर के आपको लीफ पर स्प्रे करना है। इसके साथ ही इसी लिक्विड को हम डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको सॉइल में डालना है। दूसरा जो तरीका है, डायरेक्ट इसको मिट्टी में मिलाना। इसके लिए आपको पॉट यदि छोटा है तो आधा चम्मच और बड़ा है तो आप एक चम्मच एप्सम सॉल्ट इस तरह से स्टेम से दूर मिट्टी में थोड़ी सी जगह करके डालें और इसके बाद मिट्टी में इसको दबा दें। इसके बाद ऊपर से आप पानी डाल दें। ये धीरे धीरे घुल के प्लांट की जड़ों में पहुंचेगा और प्लांट को मजबूत ग्रोथ देगा। तो आप ये टॉप ड्रेसिंग मेथड कहलाती है, इसके द्वारा भी अपने प्लांट को एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं या फिर आप पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फिर पत्तियों में चमक नहीं है तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अभी सर्दियां शुरू होने से पहले आप इसका यूज़ ज़रूर करें और देखेंगे प्लांट में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको आने वाली सर्दियों में और प्लांट बहुत अच्छे फ्लावर देगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक यू।